ठीक है, तो इसमें पदार्थ के कणों की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों हो ज्यादा होती है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, क्योंकि पदार्थ के इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इसमें ज्यादा होती है और ये कण बहुत तेजी से गति करते हैं। और इसमें आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कम होती है और सबसे कम इसमें होती है सॉलिड में। तो आपको पता चला टेम्परेचर देने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आप मान लेते हैं दो कोई एक वेसल में रख लिया, इन दोनों में पोटेशियम परमैंगनेट है KNO4, ये कोल्ड वाटर में हम पोटेशियम परमैंगनेट को घोल रहे हैं कोल्ड वाटर में, और ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट को घोल रहे हैं और इसमें हम हॉट वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं किसमें सबसे जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, आपको पता है क्योंकि हॉट वाटर में आपका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पार्टिकल बहुत तेजी से गति कर रहे होंगे, इसकी वजह से अगर पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डिसॉल्व किया जाएगा बहुत जल्दी से फैल जाएगा। ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं। तो ये कोल्ड वाटर में कंपेयर करें तो आपको पता चला कि टेम्परेचर इफेक्ट डालता है डिफ्यूजन में, जितना ज्यादा टेम्परेचर इसका तेज होगा उसमें उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा। डेंसिटी के बारे में हमने बात करी कि सॉलिड में डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसमें डिफ्यूजन रेट कम होगा, इसमें डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, इसमें डेंसिटी ठीक है, डेंसिटी इसमें ज्यादा होती है, उससे कंपेयर देन जितनी कम होती जाएगी डेंसिटी उतना ही ज्यादा उसमें विसरण या डिफ्यूजन रेट बढ़ता चला जाएगा। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये डिफ्यूजन टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यानी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आपको पता है प्यारे बच्चों कि हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं और ये आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं। जैसे आपको पता है कि जो आइस होता है उसको हम पानी में बदल सकते हैं और पानी को हम बर्फ में बदल सकते हैं। तो ये क्या है आपका, आपने लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर दिया और सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। और अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो वेपर स्टेट में आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं आपका लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में। तो इस तरह से ये आपको समझना है कि कैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता रहता है ना, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ को इसकी अवस्था को हम बदल सकते हैं या पदार्थ की अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं। आपको पता है जब सॉलिड, आपको यहाँ पे कुछ टर्म हम यूज करेंगे उसको आपको याद भी रखना पड़ेगा, सॉलिड सॉलिड व्हेन सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड इट इज कॉल्ड मेल्टिंग, व्हेन सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड इट इज कॉल्ड मेल्टिंग, यानी जब ठोस द्रव में बदल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं मेल्टिंग, पिघलना ठीक है। और आपको पता है कि मेल्टिंग ऑफ आइस कितना होता है 0°C पे, बर्फ जो आपका यहां पे पिघलने लगता है ठीक है। आयरन का आप देखिए मेल्टिंग पॉइंट कितना है 1535 यानी 1535°C यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का आइस से ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स, जिसमें जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स रहेगा उसमें उसको उतना ही ज्यादा मेल्ट करने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। इसी वजह से इसका जो टेम्परेचर है इसका जो मेल्टिंग है वो आपका ज्यादा है और इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे कोई भी पदार्थ पिघलने लगता है उसे हम क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वह तापमान जिसमें कोई पदार्थ अपनी अवस्था को बदलने लगता है या वो पिघलने लगता है उसको हम क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ठीक है। और जब लिक्विड चेंज हो जाता है सॉलिड में इसका वाइस वर्सा, यानी जब लिक्विड को हम क्या करते हैं सॉलिड में बदलते हैं तो ये क्या कहलाता है फ्रीजिंग कहलाता है। जैसे आप लिक्विड है आपका वाटर और आप उसे आइस में बदलना चाहते हैं तो वो 0°C पे ही बदल जाता है सॉलिड में
ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, जब सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो वो मेल्टिंग कहलाता है, और जब लिक्विड को हम सॉलिड में चेंज करते हैं तो क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। इसको हम सॉलिडिफाइंग भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जब लिक्विड को हम गैस में चेंज करते हैं, लिक्विड जब गैस में चेंज होता है, आपको पता है क्योंकि जब लिक्विड को हम टेम्परेचर देंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा मोशन में आ जाएंगे, और आपको पता है लिक्विड का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ड्यू टू सॉलिड, इट इज अ लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉलिड से इसमें कम लगता है, जिसकी वजह से इनके जो पार्टिकल हैं अपनी जगह से छोड़कर ऊपर उठने लगते हैं, जिसकी वजह से इनका एक ऐसा स्टेट आता है कि सारे पार्टिकल्स ऊपर उठने लगते हैं, और वो किस स्टेट में आ जाते हैं? गैस स्टेट में आ जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। ठीक है, और इसी तरह जैसे आपको मेल्टिंग पॉइंट पे मैंने बात की, वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, इसे हम बीपी भी कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे कोई भी पदार्थ बॉइल करना शुरू कर देता है, यानी जिस टेम्परेचर पे कोई पदार्थ बॉइल करना शुरू कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, यानी बीपी को हम बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, और हिंदी में क्वथनांक कहते हैं इसे, या आप इसे हिंदी में कह सकते हैं वाष्पन। जब पानी का, जैसे यहाँ पर लिखा H2O, पानी का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये आप सब बच्चों को पता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है? क्योंकि उस टेम्परेचर पे आप तुरंत पानी रखते हैं और किसी वेसल में रखकर, तो वो तुरंत आपका पानी जो है वो बॉइल होना शुरू नहीं होता, उसे टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे पहुंचना पड़ता है, और जिस टेम्परेचर पे पानी बॉइल होना शुरू हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और पानी का कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह मैंने C2H5OH लिखा है, एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल का बच्चों होता है मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट 64 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका कंपेयर देन एथाइल अल्कोहल का कम है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जब इनका कम है तो इसका मतलब इसमें इसको इनका अट्रैक्शन पावर कम है कंपेयर देन H2O में, हमें ज्यादा इसमें एनर्जी देनी पड़ती है कंपेयर देन एथाइल अल्कोहल। वैसे आपको पता है इसका वाइस वर्सा, अगर गैस को हम लिक्विड में चेंज करते हैं, गैस जब लिक्विड में चेंज हो जाता है, आपको पता है गैस जब ठंडी होती है तो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, यानी गैस को जब हम कूल करते हैं तो वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, या इसको हम क्या बोलते हैं? संघनन। ये बात आपको समझ में आई होगी, जब गैस कूल होकर लिक्विड में बदल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। वैसे लिक्विड को अगर हम कूल कर देते हैं तो किसमें बदल जाता है? सॉलिड में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। तो बहुत ही इजी है बेटा आप लोगों के लिए, कि जब भी कोई भी परिवर्तन होता है मैटर में, उसकी अवस्था में कुछ भी परिवर्तन होता है तो एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है तो मेल्टिंग, लिक्विड गैस में बॉइलिंग, गैस लिक्विड में चेंज हो कंडेंसेशन, एंड लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में, दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग। तो आपको पता चल गया होगा कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पे अलग अलग है, और सभी में टर्मिनोलॉजी अलग अलग यूज करी गई है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग किस पे डिपेंड कर रहा है? इनके अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस पे डिपेंड कर रहा है। जिसका जितना ज्यादा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होगा उसको उतना ही टाइम लगेगा उसके स्टेट को चेंज होने में, और ये डिपेंड किस पे करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है। बच्चों पार्टिकल्स में जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उसको हमें एनर्जी, हम कैसे देंगे? हीट देते हैं, जिसकी वजह से उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है, यानी स्टेट इंटरटर्मिनल, यानी किसी की पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, यानी अगर हम कोई हीट देते हैं तो उसका उसकी अवस्था को हम बदल सकते हैं, प्रेशर के द्वारा बदल सकते हैं, लेकिन उसको हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। आज आपको मैंने पढ़ाया है इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर, और ये बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे कोई पदार्थ आपस में बदल जाते, उसकी अवस्था में कैसे परिवर्तन हो जाता है, और आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू क्लास, आपने ये बात हमारी समझ में आई होगी इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर।